भगवान से मंगवाएंगे। क्या बोलता है बाबा? संदेशी जैसे ही वतन में गई भोग लेकर, तो बहुत सुंदर सीन बाबा ने वहां दिखाया। वो जो प्रॉब्लम वाला भाई था, सूत की कच्ची गुत्थी हाथ में लेकर बैठा था, जो पूरी तरह उलझी हुई थी, उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा था। कभी इधर से धागा पकड़ता, कभी इधर से, कभी इधर से, पर वो जितना उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा उतनी ही उलझती जा रही थी। थक गया फिर वो। जब वो थक गया तो निराश नजरों से उसने बाबा की तरफ देखा और बाबा बड़े साक्षी होकर उसे देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे दूर से। जैसे ही बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने अपना राइट हैंड ऐसे आगे बढ़ा दिया कि तूने सुलझा के देख ली, नहीं सुलझते मेरे को दे दे। लेकिन उस भाई ने बुद्धि बता के बिना सोचे समझे वो गुत्थी बाबा के हाथ पे रख दी, और जैसे ही गुत्थी हाथ पे रखी वो ऑटोमेटिकली सुलझ गई। मैसेज यही था, बस यही सीन मैसेज था, जिन उलझनों को तुम सुलझा नहीं सकते उन्हें भगवान को दे दो, सौंप दो, समर्पित करो, समर्पित सौंप दो, दिल से सौंप दो। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, दिल से। जब भी वो कोई बात परेशान करे, कोई भय भयभीत करे, कोई चिंता चिंतित करे, उस समय हाथ खोल के गीत गाना, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, बाग डोर तुम्हारे हार हार स्वीकार। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, है बाग डोर हल्के बिल्कुल लाइट हो जाओ। लेकिन सौंपने के लिए क्या चाहिए? हम अपनी कोई भी चीज किसी को सौंपेंगे तो किस आधार पे सौंपेंगे? विश्वास, मस्ट कंपल्सरी। हमारा बाबा में निश्चय जितना होगा उतना हम सौंप देंगे, और यदि निश्चय ऊपर नीचे होगा तो कभी उसे देंगे कभी खुद लेंगे, ठीक है ना? मामा हमेशा कहती थी जो पता नहीं पता नहीं पता नहीं करते उनका क्या हो जाता है। इसीलिए एक बार सौंप दिया तो सौंप दिया, परिणाम चाहे कुछ भी हो सौंप दो। और वो बढ़िया से बढ़िया ही करेगा आपके सामने, बढ़िया से बढ़िया करेगा। कई कहते जी हमने तो बहुत बार सौंपा है, हमने तो 21 दिन योग भट्टी भी कर ली, हमारी तो सुनवाई नहीं होती। पता नहीं भगवान भी कह रहा हो गया क्या, सुनता ही नहीं आजकल, है ना? ऐसे ऐसे प्रश्न भेजते समाधान लोग। सुनता तो है, परंतु एक बात आज से ध्यान में रखिएगा, अब हम संगम युग के उस कागार पर पहुंच गए हैं जब हर आत्मा का मार्च महीना चालू हो गया है। क्या होता है मार्च महीने में? क्लोजिंग। हर आत्मा की क्लोजिंग शुरू हो गई, 63 जन्मों के हिसाब किताब का बैलेंस होना है। कभी पाप का प्रभाव सामने होगा तो कभी पुण्य का सामने होगा। एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब पाप का प्रभाव सामने होगा तब सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि समय मेरे फेवर में नहीं है, समय उचित नहीं है सुनवाई के लिए। अगर उसने सुन भी लिया तो शुभ की बजाय अशुभ हो जाएगा। अगर समय फेवर में नहीं है, पाप का प्रभाव है सामने, तो आप सोने को भी हाथ लगाओगे मिट्टी बनेगी, भलाई करने चलोगे बुराई मिलेगी, सब उल्टा होगा, क्योंकि समय पाप का प्रभाव लेकर आया है। ऐसे समय को विचलित होना नहीं, डाउटफुल होना नहीं, बहुत ही पेशेंस के साथ योग युक्त तो होकर बिता दो शांति से। वो लंबा समय नहीं चलेगा, वो थोड़े टाइम के लिए आया है। मन को चित्त को शांत कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए, बाबा को याद कीजिए, उचित समय जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब देखिए जैसे आपके घर में बच्चे को जुकाम हुआ है, उसका गला बैठा है, नाक बह रही है, बुखार हुआ है, और आज वो आइसक्रीम खाने की जिद करे, आप उसको हर हफ्ते आइसक्रीम खिलाते संडे के
आपको पुकार पुकार के बोल रहा है तो सुनाई नहीं देता क्या? जेब में पैसा नहीं, ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, क्यों सुना सुना हो रहा है आज जी? इसलिए आप सुना सुना कर रही है, है? अगर आज मैंने खिला गया तो बच्चे की तबीयत, तो भगवान भी तो केवल इतना ही करता है, उसे पता है कि यदि और इसी गली में इसकी सुन ली तो क्या हो जाएगा? इसे नहीं पता ये नादान है, ये केवल आज को देख रहा है और मैं कल को भी देख रहा हूं, वो केवल आज को नहीं लेकिन आने वाले पल को भी देख रहा है। लेकिन एक बात आपने देखी कि आप आइसक्रीम खिलाने को कैंसिल नहीं कर रहे, केवल डिले कर रही हो। आप बच्चे को क्या कह रहे हो? बेटा तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद एक के बदले कितनी? ऊपर वाला भी कहता है बच्चे धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे आई, थोड़े से धीरज धर ले बस, ये सही समय को आने दे, ये पाप के प्रभाव को बीतने दे, फिर एक के बदले इतनी तेरी दो तो मन होगी, पर तू थोड़ा सा पेशेंस रख, समय समय की बात होती है। बाबा मेरा कैंसिल नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, कुछ टाइम के लिए डिले कर रहा है बस। तो ऐसे टाइम पे मुझे डाउटफुल नहीं होना है, और मैं आपको बता दूं स्पष्ट शब्दों में भगवान ने निश्चय की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। आज तक वो कहता था मुरलियों में लास्ट परीक्षा होगी निश्चय की, बहुत शॉर्ट टाइम की होगी लेकिन बड़ी टफ परीक्षा होगी, और ये परीक्षा लेनी बाबा ने शुरू कर दी। कभी भी किसी के भी विश्वास की निश्चय की परीक्षा हो सकती है। क्या इरादा है कानपुर वालों का? पास या फेल? परीक्षा बहुत थोड़े टाइम की होगी पर परीक्षा मतलब परीक्षा, ठीक है ना? कितने बजे? डेढ़ बजे तक करो, दीदी डेढ़ बजे तक पूरा करो, क्लास पूरा करो या विश्वास
ऊपर वाला भी विवश हो जाए, सोच में पड़ जाए कि यदि इस बच्ची के विश्वास की लाज नहीं रखी गई तो संसार में से विश्वास खत्म हो जाएगा। विवश शब्दों से अपने विश्वास के सामने, जैसे छोटा बच्चा जब गोदी में होता है कभी कभी वो इतना इरिटेट होता है ना, ना खाने से मरता है ना खिलौने से, फिर उस पर ट्राई अपनाई जाती है, उसको खुश करने के लिए उसे हवा में फ्लाई करते हैं, करते कि नहीं? जब छोटे थे आपको आपके माता पिता ने आपको खूब ऊपर हिलाया, और यदि कोई अभी उठा के उछालने लगे तो क्या करोगे? तो वो जो बच्चा था छोटा जिसको हवा में फ्लाई करते हैं उछालते हैं, वो बड़ा खुश हो जाता है और उसकी मनसा रहती वंस अगेन वंस मोर, तो वैसे ही मुझे आपको मालूम है बड़ी रिस्की सिचुएशन को फेस कर रहा है वो, अगर 1% हाथ से छूट जाए तो डेथ हो सकती है उसकी, लेकिन वो रिस्की सिचुएशन को इंजॉय कर रहा है, किलकारी मार के हंस रहा है, किसके बलबूते? जिन हाथों पर वो है उन हाथों पर उसे अपने से अधिक भरोसा है कि ये मुझे गिरने, बस ऐसे छोटे से बच्चे बन जाओ और खुद को भगवान के हाथों में सौंप दो, अब चाहे तूफान सुनामी जैसा आ जाए मेरे परम रक्षक के हाथों में इतनी ताकत है जो मुझे गिरने नहीं देगा। सौंप दो, समर्पित हो जाओ पूरी तरह से, सौंप दो, लेकिन विश्वास को डामाडोल। अब एक भाई का फोन आया, वो कहता है बॉम्बे से फोन आया कि मुझे बॉम्बे में घर चाहिए, हमने कहा ले लो, कहता नहीं नहीं जिस घर को मैं लेना चाहता हूँ ना उसके बहुत सारे कस्टमर हैं, मेरे से अधिक पैसा देके ले रहे हैं, तो राजयोग में कोई ऐसा प्रयोग है जो वो घर मुझे मिल जाए। अभी वो नया नया बाबा का बच्चा है 6-7 महीने का, तो हमने उसको बताया कि ठीक है घंटा योग करो जब तक घर मिले, एक ही संकल्प से एक ही स्वामान से योग करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन से कविता है, और आप विजन देखना कि ये घर मुझे मिल गया है, मिल जाएगा नहीं मिल गया है, और मैं गृह प्रवेश कर रही हूँ, रजिस्ट्री मिल गई है मेरे हाथ में। विचारे ने भोग लगा करके शुरू किया 2 महीने योग बिना खंडित किए 1 घंटा रोज, 2 महीने के बाद उसको पता चला कि वो घर तो किसी और ने खरीद लिया, अब उसको बड़ी परेशानी हुई, दुख हुआ और तो गुस्से में बाहर आया, वो तो किसी पे पार नहीं, बस ही वापस ममता को फोन लगाया, फोन उठाया हमने तो बोलते है, तो देखे उसके क्या शब्द थे, देख लिए बाबा बाबा सब ऐसे ही है, किसी में कोई दम नहीं है, तुम्हारे बाबा में भी कोई दम वम नहीं है, नहीं जाऊंगा मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम टाइम वेस्ट करते फालतू में। मैं उसको बोलती रही भैया कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, एक बार बताओ तू शांत हो, वो नहीं, वो गुस्से में बड़े दुख में, उसने मेरी नहीं सुनी, एक बार का रिप्लाई नहीं किया, फोन रख दिया। पूरे 25 दिन के बाद, ज्यादा दिन नहीं थे, पूरे 25 दिन के बाद पूरी इंडिया में बहुत बारिश हो रही थी, चारों तरफ बाढ़ आ रही थी, बॉम्बे में हैवी रेन हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, अब घर में भी कोई नहीं था, सब जगह शांति बन मधुबन घर वाले थे, बाकी कोई मेहमान नहीं था, तो सब न्यूज वगैरह लगा के बैठे थे, देख रहे थे खूब बारिश हो रही है, कई दिन हो गए बंदी भी हो रही, अब न्यूज जो देख रहे थे तो एक न्यूज हाईलाइट हो रहा, बॉम्बे में एक बड़ी बिल्डिंग सुबह 8:30 के बीच में गिर गए, 30 लोग दबके मर गए, कुछ दबे पड़े हैं और जो बचे वो टोटली रोड पर है, कुछ नहीं बचा ना जन ना धन कुछ नहीं, घर केवल सड़क पे खड़े सब खत्म हो गया उनका। तो हमने चैनल बदल बदल के देख रहे थे, सभी चैनल पे यही न्यूज आ रहा था, फिर फोन की गंदी बची, और लकीली देखे कि तीसरी बार भी फोन मैंने उठाया, अब जैसे मैंने न्यूज देखते रहे तो उसको हेलो बोला, हेलो भैया
उसका पहला ही शब्द जो था उसने ओम शांति भी नहीं बोला, उसने पहला ही शब्द बोला वाह साथ साथ में
सुंदर क्लास बाबा से सभी गिले गिले हुए किसके किसके हुए हाथ उठाई। तो अभी इसी प्रेरणाओं में मौन में रहकर फिर से पट्टी में आएंगे 4 बजे। परीक्षा है, जल्दी से भोजन करके आना होगा, तो आराम भी नहीं ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन ये 2 दिन हमारे बहुत हल्का भोजन और साइलेंस बस, तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा। सभी 4 बजे फिर से वापस आएंगे और आराम से बैठेंगे, सबको जगह देंगे। और अगर मेरा ये आपसे अनुरोध है कि जो लोग अभी आगे बैठे हैं वो बड़ा दिल करके पीछे बैठेंगे, और जो नहीं बेचारे नीचे बैठे रहे हैं उनको आगे बैठने के लिए चांस देंगे, है ना, तो बाबा खुश होंगे।